राजू भाई कलेक्शन नामक इस दुकान पर आधार कार्ड बनाने में जनता को देखकर पैसे लिए जा रहे हैं। कभी किसी से 300 रुपये तो कभी किसी से 350 रुपये आधार कार्ड बनाने के नाम पर लिए जा रहे हैं, जो शासन के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। ज़्यादा अगर कोई बात करता है तो बोलते हैं कि इंदौर में आधार कार्ड बनाने आते हैं, अगर कम पैसे में बनवाना है तो बैंकों में जाकर लाइन लगवाइए और बनवाइए, जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं। इस पर ना ही शासन और प्रशासन कोई दबाव है और ना ही किसी को डर, खुलेआम राजू भाई कलेक्शन का जनता की खून पसीने की कमाई लूटी जा रही है। वीडियो वायरल हुआ है और देखते हैं कि शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। पीतमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। भैया, आप आधार कार्ड बनाने गए तो आपको क्या परेशानी आई? आधार कार्ड में बनवाने राजू कलेक्शन वाले के यहाँ गया था, किसी ने जानकारी दी कि वहाँ आधार कार्ड बनता है। अच्छा। मैं आधार कार्ड बनवाने गया तो वहाँ मैंने पूछा आधार कार्ड कितने में बन रहा है। अच्छा। तो उन्होंने 350 रुपये बताए थे। अच्छा, अच्छा। इतना पैसा नहीं लगता है, लेकिन 350 रुपये लेने के बावजूद भी अच्छा मेरा बना के दिया। उसके बाद निकालने गए उसका आधार कार्ड, तो बोले आधार कार्ड निकालने के अलग पैसे लगेंगे 80 रुपये। अच्छा अच्छा। हाँ, कुल मिला के कितने पैसे दिए आपने? मैंने 350 कैश दिए थे, उसके बाद निकालने गए तो फिर 80 रुपये और अलग से मांग रहे थे। अच्छा अच्छा। आपका नाम? लाखन साबोर। ठीक है। हाँ भैया, आप आधार कार्ड बनवाने आए तो आपको क्या तकलीफ आई? ये जानकारी मिली थी कि पीतमपुर में आधार कार्ड बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर आए थे आधार कार्ड बनवाने राजू भाई कलेक्शन के यहाँ। तो उन्होंने आधार कार्ड बनाने के हमसे 350 रुपये ले लिए और आधार कार्ड निकालने गए तो 80 रुपये अलग से लिए जा रहे हैं, और जिससे शासन के आदेश के अनुसार जो बैंकों में ही बनते हैं, जो ये यहाँ पे भी बनाए जा रहे हैं, और ये हम लोगों से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। तो आपने वहाँ पे किसी से शिकायत की? हाँ, जो वहाँ पे मैनेजर है उनसे बोला था, तो उनका ये कहना है कि अगर कम पैसे में बनवाना है तो बैंकों में जाइए, और यहाँ पे अगर बनेगा तो ये इंदौर से आते हैं जो इनका अलग से चार्ज देते हैं। अच्छा, आपका नाम? संजय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।